मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन चुनाव संपन्न कराए जा सके, इसके लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत 2 दिन प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरान वो प्रदेश के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारी, कमिश्नर और कलेक्टरों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसी के चलते भोपाल में भी आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर चर्चा की। अलग अलग पार्टी प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात कर उन्होंने पार्टी प्रतिनिधियों से उनकी शिकायत और सुझाव और साथ ही साथ समस्याओं को भी जाना और उन्हें इन समस्याओं को दूर करने का विश्वास भी दिलाया। पूरा कमीशन समीक्षा करने के लिए कि तैयारियों की क्या स्थिति है। सबसे पहले राजनीतिक दलों की जो भी चिंता है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेंगे। फिर सारे अधिकारियों जो भी संबंधित हैं, एनफोर्समेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सुनेंगे। उसके बाद तय करेंगे कि तैयारियों की स्थिति क्या है और फिर आप लोगों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे कि तैयारियों की ये स्थिति है, इसके आधार पर क्या निर्णय होगा। अभी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोल रोल के बारे में जरूर आई हैं, उस पर जांच होकर काफी कार्रवाई हुई है। बोगस कोई नहीं है, डुप्लीकेट्स जरूर हैं, उनके बारे में कार्रवाई हो रही है। ये तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी आया है, उसके बारे में भी काफी बताया गया है और आज काफी मीडिया में आ चुका है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए कमीशन पूरा काम करेगा। लगभग 80% में सारी चीजें हैं और जो नहीं है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया गया है कि वो करें।